हमने आपका नाम शुरू से कज्जन बेगम सुना है, आपका असली नाम भी यही है? नाम बांधी। तो ये कज्जन बेगम आपको किसने नाम रखा? ये उर्फियत थी मेरी। तो उर्फियत आपको इतनी पसंद आई कि आपने इसको असलियत? मैंने जो छोटा सा नाम था मैंने रख दिया, वो इतना मशहूर हो गया, मैं क्या करूं। आपके वालिद साहब का क्या नाम था? मेरे वालिद का नाम था फजल हुसैन। और आपकी वालदा का नाम? हुसैनी बेगम। और आप कितने बहन भाई? हम सात बहनें एक भाई। तो सातों बहनों और एक भाई में से एक बहन ने इस फन को इख्तियार किया कि बाकी कोई भी इस मशगले की जानिब राग़िब? बाकी कूड़ रही सब। हम लोगों की तरह आपको ताने मिले कि ये किस रास्ते पे पड़ गई हो कि लोगों ने, आपकी घर वालों ने और सब लोगों ने हौसला अफजाई की कि मारी पिटती रही गाती रही? घर वालों ने हौसला अफजाई नहीं की, मगर मैंने सुनी नहीं किसी की। तो अपनी मर्जी गाने में की, तो क्या शादी में भी अपनी मर्जी की? शादी में तो माँ बाप की मर्जी थी। तो गाना तो आपने शादी के बाद शुरू किया? नहीं, मेरे मियाँ को कोई इतराज नहीं था, उनको बहुत शौक। और उनका नाम? अख्तर वसी अली। और माशाल्लाह आपके साथ गाते भी थे? नहीं, गाते तो बहुत खूबसूरत थे मगर अताई थे। यूं कह रही है अताई थे कि जैसे बाद में उस्ताद हो गए? नहीं, कभी नहीं उस्ताद हुए। आपने उन्हें अपनी शागिर्दी में नहीं लिया? कोई नहीं सकता था, नहीं हो सकते थे। लेकिन रेडियो स्टेशन पे वो भी गाया करते थे? क्या गाते? बहुत सुर में गाते थे। क्या गाते? बस यही गीत गजलें, और उनके बस में था ही नहीं कुछ। यानी ये समझूं कि आप भी नहीं थी? जी, ये समझूं कि उनके बस में आप भी नहीं थी और आपका सुर भी नहीं था। और जो जो सुर उनके बस से आपके तक पहुंचा, उसमें से एक तान एक और हमें आता हो जाए। आ रही है।